अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई एम सैयद अली शाह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट फिज़िक्स स्टडी स्टूडेंट्स क्लास टेन में जियोमेट्रिक ऑप्टिक के चैप्टर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज एमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस स्टूडेंट्स बेसिकली हम इस बुक में फाइव एमिज डिस्कस करते हैं बट बेसिकली वो फाइव कंसेप्ट जो हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन या हम उसको कंसेप्चुअल भी बोल सकते हैं अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो वो सिर्फ आपको एमेजे फॉर्मेशन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस बता देगा लेकिन जो बीच में से कोई भी एक एमेज को उठा के वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन के जरिए भी लिख सकता है कि बताएं कि इसमें एमेज कहां पे बन रही है अगर ऑब्जेक्ट एफ पर है तो एमेज कहां बनेगी अगर ऑब्जेक्ट एफ एंड टू एफ बिटवीन है तो एम उसकी नेचर क्या होगी so नेचर well को भी डिस्कस करने वाले हैं नेचर मीन दैट कि कौन सी एम एज बन रही है और कहाँ पे बन रही है सो स्टूडेंट्स वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको इस वीडियो में सबसे पहले ये चीज पता चल जाए कि अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ पे प्लेस करेंगे बिटवीन एफ एंड टू एफ प्लेस करेंगे या टू एफ पे प्लेस करेंगे तो एम एज कहां बनेगी स्टूडेंट so वीडियो को से देखें मैं आपको एक सिंपल वे बताऊंगा और एक बेस्ट वे भी बताऊंगा ठीक है सबसे पहले स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि आपका फोकल जो फोकल का डिस्टेंस आपने इस तरफ लिया है एग्जैक्ट उतना ही डिस्टेंस आपने इस तरफ भी लेना है अगर आप इसको स्केल के साथ मार्क करके ले ली तो बहुत अच्छी बात है उतना ही आपने यहाँ पे टू एफ का डिस्टेंस भी क्या कर लिया है यहाँ पे आपने ले लिया दिस इज टू एफ जितना यहाँ पे आपने टू एफ लिखा है तो देखिए यहां पे भी आपने क्या करना है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे लेकर उसको आपने टू एफ मार कर दिया स्टूडेंट्स याद रहे एफ मीन दैट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस लेंस का फोकल लेंथ जो होता है वो हमारे पास एफ सी डी नोट होता है तो जितना यहां पर डिस्टेंस आपने लिया एग्जैक्ट उतना डिस्टेंस आपने इस तरफ भी लेना है सो स्टूडेंट्स अब यहां से हम पहली इमेजेस बनाते हैं मैंने देखिए अबव क्या लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट बिया टू एफ मीन जब आप ऑब्जेक्ट को टू एफ से भी पीछे प्लेस करते हैं ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर देता हूं ये देखिए मैंने अभी ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस किया है सो so, स्टूडेंट पहले तो आपको एक सिंपल पता है कि जब कभी भी जो रेबी पैरल जाती है आफ्टर हमारे पास लेंस उसने फोकल लेंस से पास होके जाना है नंबर वन रूल ठीक है नाउ नंबर सेकेंड रूल हमारा क्या है कि जो रे भी हमारे पास सेंटर से पास होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है वो हमारे पास इधर उधर कन्वर्ट नहीं होती नंबर थर्ड हमारे पास जो रूल है वो क्या है कि जो वेव हमारे पास फोकल लेंथ से पास होगी यहां पे मीन पहले हमारे पास पास होगी फोकल से आफ्टर हमारे पास लेंस उसने क्या हो जाना है पैरेलल हो जाना है टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस लाइन को हम क्या बोलते हैं दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले पैरेलल होती है वो बाद में हमारे पास फोकल लेंथ से पास होती है और जो पहले पास हो जाएगी वो बाद में पैरेलल हो जाएगी सो so स्टूडेंट्स मैं आपको सबसे पहले एक आसान तरीका बताता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी एमजेस एग्जैक्ट ठीक आए सबसे पहले आपने क्या करना होता है आपने सेंटर जो मिड वाली लाइन है उसको पास करना है ठीक है ना ये देखिए मैं सबसे पहले कौन सी लाइन पास कर करूं दैट इज हमारे पास सेंटर मैंने यहां से देखें ये लाइन लगाई एग्जैक्ट मैंने सेंटर से पास की और देखिए मेरे पास वेव यहां तक आ गई दिस इज द फर्स्ट रे ये देखिए मेरे पास जो इंसिडेंट रे होती है बिल्कुल एग्जैक्टली exactly सेंटर से जो पास होती है पोल से जो पास होती है वो बिल्कुल सीधी चली जाती है सेकेंड वेव मैंने आपको कहा जो पहले पैरल होती है देखिए जो लाइन मेरे पास पहले पैरल होती है आफ्टर दैट वो क्या होगी हमारे पास फोकल लेंथ से पास होके जाएगी ये देखिए मैंने क्या किया इसको फोकल लेंथ से भी पास कर रहा हूं ठीक है ना स्टूडेंट so देखिए यहां पे ये फोकल से पास होके ना यहां पर ये देखिए यहां पे इस जगह पे नाउ थर्ड मैंने आपको कहा कि जो हमारे पास लाइन फोकल से पहले पास होती है ये देखिए मैंने भी पहले इस फोकल से पास कर रहा हूं ठीक है ना सो so, देखिए यहां पे वेव मेरे पास जो वेव पहले फोकल से पास हो गई है ठीक है ना आफ्टर दैट हमारे पास वो क्या हो जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सो so, ये देखिए हमारे पास वो वेव यहां पे पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है सो so, देखिए स्टूडेंट एक वेव ये थी मेरे पास एक वेव मेरे पास ये आई और ये देखिए ये सारी जहां पे हमारे पास एक दूसरे मीट करती है यहां पे हमारे पास क्या बन जाती है एम बन जाती है अच्छा स्टूडेंट अगर मेरे पास यहां पे एमेज अब बन चुकी है हमारे पास ठीक है ना स्टूडेंट so जहां ये सारी वेव्स इकट्ठी होती है ना यहां पे देखिए मेरे पास एमेज बन गई है ठीक है ना अब आपने आगे इसको लिखना कैसे स्टूडेंट वीडियो एंड तक देखे ताकि आपको ये भी पता चले कि इसको ई शीट पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट एंड में मैं आपको ई शीट पे दिखाऊंगा कि हमने इसको कैसे लिखना है अब देखे मैंने यहां पर हेडिंग दे दी दैट इज नेचर ये देखिए मैंने यहां पे लिख दिया नेचर तो अब इसकी नेचर हमने लिखनी है कि हमारे पास इसकी नेचर क्या है तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा द इमेज इज बिटवीन देखिए इमेज कहां बन रही है तो मैंने लिखा द इमेज द इमेज इज बिटवीन बिटवीन एफ एंड टू एफ देखिए ना इमेज मेरे पास कहाँ बन रही है एफ और टू एफ के दरमियान बन रही है अच्छा कन्वेक्स लेंस हम यूज कर रहे हैं तो याद रखें ये रियल इमेज बनाता है आप देखिए ऑब्जेक्ट इधर है इमेज इधर बन रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज इन्वर्टेड स्टूडेंट ये नेचर समझना बहुत लाजमी है ठीक है ना इन्वर्टेड हो गई अब ये देखिए कि एम सॉरी ऑब्जेक्ट जो पड़ा था वो बियाइंड टू एफ पड़ा हुआ है एमेज देखिए यहां पे बन रही है मीन एफ से पहले बन रही है, तो स्मॉलर हो गई ना तो आपने क्या लिखना है स्मॉलर स्मॉलर द ऑब्जेक्ट तो देखिए ऑब्जेक्ट से हमारे पास ये क्या हो गई है स्मॉलर हो गई है सो so स्टूडेंट हमने पहली एम एज बना ली है दिस इज द फर्स्ट एम ठीक है ना नाउ अब मैं आता हूं सेकेंड उस पर देखिए मैं ऑब्जेक्ट पहले यहां पे पढ़ा था अब मैं इसको टू एफ पे प्लेस करूंगा नेक्स्ट मैं बिटवीन एफ एंड टू एफ प्लेस करूंगा फिर मैं एफ पे प्लेस करूंगा एंड देन मैं एफ एंड लेंस के बिटवीन प्लेस करूंगा टोटल मैंने फाइव इमेजेस बनानी है सो देखिए नंबर सेकंड मेरे पास एमेज क्या हो गई नंबर सेकंड मैंने लिखा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एट टू एफ अब मैंने लिखा कि ऑब्जेक्ट एट टू एफ अब मैंने टू एफ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया सो so, यहां पे अब मैंने अगेन एक लेंस रखा अगेन देखिए मैंने यहां पे ना एफ डिस्टेंस ले लिया दिस इज फोकल लेंथ ठीक है फोकल फोकल लेंथ लेंथ तो जितना यहां पे focal length है एग्जैक्ट मैंने उतना ही इस तरफ भी ले लिया अगर आप स्केल के थ्रू लें तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी एमेजेज एग्जैक्ट आएंगी और यहां पे मैंने टू एफ लिख दिया ये देखिए मैंने टू एफ लिख दिया और इधर उतने ही फास्ले पे मैंने इस तरफ भी क्या लिख दिया 2f स्टूडेंट्स देखें ऑब्जेक्ट एट एफ अब मैंने ऑब्जेक्ट को F पे, एफ पे टू एफ पे लाके क्या कर दिया प्लेस कर दिया है ऑब्जेक्ट मेरे पास टू एफ से पीछे था अब एफ पर आ गया तो देखिए पहली अगेन मैंने आपको बताया था फर्स्ट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस होगी वो आफ्टर हमारे पास फोकल से पास होगी जो सेंटर से पास होती है वो स्ट्रेट जाती है जो यहां से फोकल से पास होगी वो आफ्टर हमारे पास क्या हो जाती है पैरेलल हो जाती है मैंने आपको एक बात बताई थी सबसे पहले आप सेंटर को ड्रॉ करें तो उससे यह होता है कि आपकी इमेजेस ठीक आ जाती हैं ये देखिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं सेंटर को क्या कर रहा हूं प्लेस कर रहा हूं सेंटर वेव को मैं कह रहा हूं ठीक है ना ये देखिए तो यहां से देखिए मैंने एक वेव शाइन की और वो देखें यहां तक मेरे पास आ गई तो जो वेव सेंटर से पास होती है पोल से पास होती है वो एग्जैक्ट सीधी जाती है वो हमारे पास कोई रिफ्लेक्ट नहीं होती ठीक है नाउ सेकेंड देखिए मैंने यहां पे क्या किया स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल टू एक्सेस बना रहा हूं ये देखिए जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई फिर मैंने क्या कहा था कि वो आफ्टर हमारे पास लेंस फोकल से पास होकर जाएगी सो ये देखिए मैंने अब उसको फोकल से पास करना है ठीक है ना सो ये देखिए मेरे पास वो लाइन एग्जैक्ट फोकल से पास होकर ना यहां पे आ गई है सही है ओके नाउ जो थर्ड हमारे पास रे है थर्ड रे पहले फोकल से पास होती है ये देखिए पहले क्या होगी हमारे पास फोकल से पास होती है ठीक है ना आफ्टर फोकल लेंथ हमारे पास पास होने के बाद जब लेंस भी पहुंचती है तो ये रे यहां पे हमारे पास क्या हो जाती है प्रिंसिपल के बिल्कुल पैरल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल हो जाती है ओके okay. स्टूडेंट्स ये देखिए मेरे पास सारी रे जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उधर आपकी एमेज बनती है स्टूडेंट ये हमारे पास एक आपका कंसेप्चुअल एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस राइट द कंडीशन वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस दैट इमेज जो बने एग्जैक्ट इक्वल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट देखिए अब टू एफ ऑब्जेक्ट है एफ पर ही एमेज बन गई है अब देखिए तो मैं नेचर में क्या लिखने वाला हूं ये देखे मैंने नेचर में लिखा so देखें मैं यहां पे नेचर में इसके लिए क्या लिख रहा हूं कि हमारे पास द एमेज इज एट टू एफ पहले तो देखिए एमेज कहां बन रही है द एफ टू एफ पे बनी है ना अच्छा अगेन मैंने आपको कहा जाती है ठीक तो तो है ना यहां पर ऑब्जेक्ट ऊपर पड़े एम एज नीचे इसका मतलब है इनवर्टेड तो ये इनवर्टेड भी हो गई सेकेंड जो हमारे पास है एन सेम 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 साइज है हमारे पास तो देखें हमने यहां पर क्या लिखा कि सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट सो ये देखिए स्टूडेंट यह हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वे आर राइट द कंडीशन वेयर मस्ट बी द ऑब्जेक्ट इस प्लेस दैट वी टेक रियल इन्वर्टेड एंड एक साइज ऑफ दिखेंट क्वेश्चन है थर्ड हम रख रहे हैं, अब देखिए मैं आता आहिस्ता ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आ रहा हूं पहले मैंने देखे बिया टू एफ रखा नाउ अब एफ रखा अब मैं एफ और टू एफ के बिटवीन यहां पर प्लेस करूंगा इस जगह पे तो देखें मैंने यहां पर अब क्या लिखा कि वेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट सॉरी वेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड टू एफ ये देखें नंबर सी ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एफ एंड एफ ठीक है ना या एफ एंड टू एफ ये देखें मैंने यहां पे अब ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है सही है स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स so अब मैंने ऑब्जेक्ट को किधर प्लेस करना है दैट इज हमारे पास बिटवीन एफ एंड टू एफ तो देखिए यहां पे अगर मैंने फोकल लेंथ यहां पे लिख दिया हमारे पास एफ तो एग्जैक्टली exactly मेरे, okay. मेरे पास 2F, तो उतनी ही डिस्टेंस पे यहां पे भी हो गया एफ ठीक है ना ओके अगर यहां पे मेरे पास आता है टू एफ तो एग्जैक्ट उतने ही डिस्टेंस पे यहां पर भी मैंने क्या ले लिया टू एफ अब देखिए

प्रिंसिपल टू axis, ये देखिए प्रिंसिपल टू एक्सिस जो मेरे पास रे जा रही है वो आफ्टर हमारे पास लेंस से पास होने के बाद फोकल लेंस से पास होके जाएगी ठीक है सो देखिए मैंने यहां पे इसको फोकल लेंस से पास किया ठीक है ना सो यहां पे जब वो फोकल लेंस से पास होती है तो वो यहां तक आ जाती है ठीक है ना नाउ थर्ड वन देखिए जो पहले फोकल से पास होगी जो लाइन पहले फोकल से पास होकर आएगी हमारे पास तो देखिए वो क्या उससे होती है ये देखें जो वेव मेरे पास पहले फोकल से पास होती है आफ्टर हमारे पास यहां पे आ जाएगी देखें एग्जैक्टली exactly. यहां पे यहां पे, पे स्टूडेंट मैंने सेंटर की जो लाइन थी उसमें जरा सी गड़बड़ कर दी है मैं उसको अगेन ड्रा करता हूं ये देखें मैं सेंटर की लाइन को अगेन यहां से इस तरह ड्रा कर रहा हूं कि ये बिल्कुल सेंटर से पास हो जाए देखिए स्टूडेंट ये सारी वेव मेरे पास यहां पे आके ना इस जगह पे आके एक दूसरे को क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं अच्छा मैंने आपको कहा था जहां पे ये सारी वेव्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारे पास क्या होता है वहां पे एमेज बन जाती है अभी जरा हम नेचर ऑफ द एमेज पे आते हैं जरा पहली बात देखिए जब ऑब्जेक्ट करीब आता जा रहा है तो एमेज दूर होती जा रही है और देखिए जरा हाइट ऑफ द एमेज देखिए हमारे पास एज कंपेयर टू दिस इंक्रीज होती जा रही है सो देखिए मैंने यहां पे नेचर में क्या लिखा नाउ नेचर सो so, यहां से मेरे पास जो नेचर ऑफ द हमारे पास एमेज है वो क्या बन देखे? एमेज इज बिया टू एफ देखिए ना एम पीछे चली गई है तो मैंने क्या लिखा द इमेज इज बिहाइंड टू एफ चली गई है इमेज हमारे पास जो बनी है वो बिहाइंड टू एफ चली गई है अगेन देखें मेरे पास कन्वेक्स लेंस है सो so मैंने पहले ही एक बात लिख दी दिस इज रियल इमेज नीचे बनी है सो so, इन्वर्टेड अच्छा अब देखें ऑब्जेक्ट से बड़ी एमेज बनी है तो हमने यहां पे क्या लिखना है हमारे पास के लार्जर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या हुई है बड़ी बन गई है ठीक हो गया स्टूडेंट्स सो so, ये मेरे पास तीन इमेजेस अभी तक हम बना चुके हैं नाउ नेक्स्ट मेरे पास हम फोर्थ नंबर के आते हैं देखिए स्टूडेंट्स पहली इमेज में मैंने ऑब्जेक्ट को बियाइंड टू एफ रखा फिर एफ पे लाके प्लेस किया आहिस्ता आहिस्ता मैं ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आ रहा हूं अब मैंने टू एफ और एफ के बिटवीन प्लेस किया नाउ अब मैं मजीद आगे ऑब्जेक्ट करता हूं और एफ पे प्लेस करता हूं फिर मैं देखता हूँ कि इमेज मेरे पास कहां बनती है ठीक है स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट नाउ मैंने ऑब्जेक्ट को एफ्लेस किया वाचिंग माय YouTube चैनल तो यहां पे मैंने

तो so, मेरी पहली रे जो है में आता है है तो पे सिर्फ आप से पास हुई है और ये ठीक ले 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 ना देगा। लेकिन सो so, मैंने यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन के दूसरी जो रे रे मेरे पास रे है वो यहाँ पे

फोकल जो फोकल का डिस्टेंस आपने इस तरफ लिया है एग्जैक्ट उतना ही डिस्टेंस आपने इस तरफ भी लेना है अगर आप इसको स्केल के साथ मार्क करके ले लें तो बहुत अच्छी बात, जो बात है क्या होगा कि आपकी फॉर्मेशन में डिस्टरबेंस नहीं होगी अच्छा मैं इस लाइन को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया सेकेंड देखिए एग्जैक्ट जितना एफ का डिस्टेंस है उतना ही आपने यहाँ पे टू एफ का डिस्टेंस भी क्या कर लिया है यहाँ पे आपने ले लिया टू एफ

लास्ट में हमारे पास सेंटर से पास होती है वो लास्ट वाला है हमारे पास वो हमारे पास इधर उधर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर में हमारे पास ने पाल ने पाल है, वो क्या के के जो लेंस उसने क्या इस लाइन को हम क्या बोलते हैं दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले पैरेलल होती है वो बाद में हमारे पास फोकल लेंथ से पास F होती है और जो पहले पास हो जाएगी वो बाद में पैरेलल हो जाएगी ये देखिए अभी मैंने so क्या, क्या कहा, कहा मैंने आपको सबसे पहले आसान तरीका बताता हूं कि अगर आप, आप यहां पे आपकी इमेजेस ठीक है अब मैं ये वाली इमेज बनाता हूं जो लास्ट में मेरी इमेज है

यहां पे भी फोकल जो लाइन मेरे थी थी पास थी थी ना, पहले सो देखते होती है अब हमारे हमारे पास 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 जो वो क्या होगी मेरे फोकल, फोकल लेंग लेंग से होके जाएगी तो मैंने आपको बिटवीन सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फोकल यहाँ पे पहुंचे यहाँ पे हमने

ऑब्जर्वर यहां से उसको ऑब्जर्व कर रहा है so, देखिए मैंने लाइंस को ना बैकवर्ड बैकवर्ड पोजीशन पोजीशन में, में लेके जाना है। ये देखिए मेरे पास ये लाइन मेरे पास बैकवर्ड पोजीशन में आ गई लेकिन इसको आप डॉटेड लाइन बनाएंगे ये देखिए मैंने बैकवर्ड और जो मेरे पास ये जो प्रिंसिपल एक्सिस वाली जो लाइन थी सॉरी जो फोकल पास हुई थी इसको भी मैंने ये देखें में यहां तक लिया है। तो जहां पे इंटरसेक्ट ईच अदर ये लाइन लगा दी तो मेरे पास जो एमेज है वो यहां पे बन रही है अब सबसे पहली बात अभी तक जितनी भी एमेजेस थी ना वो मेरे पास डाउनवर्ड यहां पे बन रही थी पहली एमेज है जो यहां पे आके बन गई है तो देखिए अच्छा पहली एमेज मेरे पास यहां पर दूसरा देखिए ऑब्जेक्ट से एमेज बड़ी है ये माइक्रोस्कोप में जो हमारे पास फिनोमिना होता है वो यही फिनोमिना यूज किया जाता है कि वहां पे हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बिटवीन फोकल लेंथ एंड लेंस को में प्लेस करते हैं तो देखिए अब जब मैं नेचर लिख रहा हूं तो देखिए मैंने नेचर यहां पे क्या लिखी दिस इज बेसिकली एमेज ठीक है ना नाउ नेचर तो देखिए जब मैं नेचर लिख रहा हूं तो मैंने यहां पर लिखा द इमेज इज बिहाइंड टू एफ सॉरी बिहाइंड एफ इमेज कहां पे बन रही है द इमेज इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से बिहाइंड बन गई है ठीक है अच्छा अब देखें अब मेरे पास दिस इज बेसिकली वर्चुअल इमेज देखिए रियल इमेज नहीं है बिकॉज रियल इमेज जितनी भी मेरे पास कन्वेक्सी थी वो यहां पे नीचे बन रही थी ठीक है ना

जो कि हमारे पास डिफरेंट पोजिशन के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़े हुए थे और उससे हमने बनाई है स्टूडेंट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने पहले आपको कहा है कि हर एक इमेज का अपना एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि वे आर ऑब्जेक्ट प्लेस के रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इमेज बन जाए वे आर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस कि जो हमारे पास रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इमेज बनाए वे आर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस कि वो इक्वल बनाए सो so, स्टूडेंट ये सारी बात तो हो गई लेकिन इसको अब ई शीट पर आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है सो ये देखे मैंने ई शीट के ऊपर ना ये देखे मेरे पास एक क्वेश्चन था मैं ऐसे आपको कंसिडर करता हूं कि लेट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट नंबर वन है टोटल इसके लिए फोर पेजेस होते हैं हर एक पार्ट के दो पेजेस होते हैं ये देखिए मैंने एमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस की हेडिंग दी ऑब्जिक्टिहाइंड टू एफ मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट एट हमारे पास टू एफ बना दिया ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड हमारे पास टू एफ बना दिया सबकी देखिए मैंने नेचर भी लिखी हुई है So, ये एक हो गया है नेक्स्ट पेज पे आप देखें नेक्स्ट पेज पे जो मेरे पास रिमेनिंग टू इमेजेस हैं वो देखें मैंने यहां पे बना दी हैं कि यहां पे देखिए आपके पास क्या है कि ऑब्जेक्ट एट एफ नो इमेज फॉर्म ऑब्जेक्ट बिटवीन हमारे पास लेंस एंड एफ तो ये देखिए हमारे पास नेचर हो गई सो स्टूडेंट ये आपको जो मैंने अभी ई शीट पर यह लिखा है ये आपको मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे शार आउट कोचिंग अकेडमी के पेज पे आपको ये नोट्स अवेलेबल होंगे आप ये देख लें कि हमने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करना है अब जो मैंने वहां पे आपको लेक्चर में रिप्रेजेंट किया है जो क्वेश्चन बताया है अब देखिए कितना डिफरेंस है वहां पे और यहाँ पे देखिए ये मेरे लेक्चर वाला था इसको देख लें एंड नाउ मैंने जो ई शीट पे रिप्रेजेंट किया है ये देखिए मेरे पास ई शीट पे ये क्वेश्चन देखिए अभी आपके सामने सो स्टूडेंट ये आपको शार आउट कोचिंग अकेडमी पे ये पेजेस मिल जाएंगे मैं ट्राई यही कर रहा हूं कि जो भी मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूं उसको मैं ई शीट पे खुद भी प्रेजेंट करता हूं ताकि बच्चों की प्रेजेंटेशन बेस्ट हो जाए जब आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं ठीक है स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल का आइकन प्रेस कर दें मजीद वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए थैंक यू सो मच